हाय गाइस, आप सब कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज के वीडियो में दिखाएंगे मैट्सो जॉक क्रेशर का पिट में निकलने के लिए क्या क्या निकलना पड़ता है या क्या क्या करना पड़ता है, और फ्लाई व्हील का किस तरह से निकाला जाए उसके बारे में बताएंगे। फ्लाई व्हील को निकलने के लिए किस तरह से जैकिंग करना पड़ता है, किस तरह से पुलर बनाना पड़ता है, वो सब कुछ बताएंगे आज का वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक हम बोल्ट ले लेंगे 75 का, चाहे कोई सा भी बोल्ट आप ले सकते हैं। तो उस बोल्ट को फ्लाई व्हील में जो की लगा हुआ है, जो लॉक लगा हुआ है, मतलब फ्लाई व्हील को लॉक करने के लिए जो चाबी लगता है, उस चाबी में वेल्डिंग करेंगे। तो तब तक वेल्डिंग कर लेते हैं और वेल्डिंग के बाद एक पुलर हमने बनाया है चाबी को निकालने के लिए, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। शिलू शाविन भाई ने कमेंट किया है, पिटमैन वर्क वीडियो करो ब्रो। उस भाई को बताना चाहूँगा, आपके कहने पे ही ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, अपना वेल्डिंग पूरी तरीके से हो चुका है चाबी के साथ, और एक रोलर कट के उसका पुलर भी बनाया हूँ, और वॉशर वगैरह भी डाल के अब टाइट भी करेंगे। तो पुलर को किस तरह से डिजाइन किया हूँ वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, अभी नट लगा के टाइट कर लेते हैं तब तक। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि क्रेशर संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों, चाबी के बोल्ट के साथ कुछ इस तरह वेल्डिंग करना है, और ये है पाइप रोलर कट के हमने बनाया है, तो इसको जैकिंग करेंगे। और जो वॉशर है, ये वॉशर ऐसा डिजाइन किया हूँ ताकि इसका जो थ्रेड है, थ्रेड खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह डालना है जैसे कि हम बता देते हैं, मतलब पाइप बोल्ट पहले तो लगा हुआ रहेगा, उसके बाद पाइप डालना है, जो पाइप रोलर कट के हमने बनाया है उसको डालेंगे। उसके बाद जो वॉशर है, वॉशर में भी पाइप दिया हूँ ताकि उसका जो थ्रेड है वो खराब नहीं होगा। तो वॉशर को कुछ इस तरह डाल के ऊपर नट लगा के टाइट करना है। तो जैसे ही नट लगा के हम टाइट करेंगे, वो धीरे धीरे चाबी बाहर आएगा। तो दोस्तों, चाबी वाला जो हिस्सा है, चाबी निकालने के लिए जो पुलर हमने बनाया है, उस पुलर को फिटिंग कर दिया है। अब उसको टाइट करेंगे और चाबी को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, बोल्ट टाइट करके चाबी को बाहर निकाल लेते हैं। तब तक आप एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, अपना चैनल में प्रेशर संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो आपको मिलता रहता है, और मेरे चैनल से आपको छोटा हो या बड़ा कोई ना कोई सा नॉलेज भी मिलता है और हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ, आप भी एक लाइक कीजिए और 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। दोस्तों, जब वेल्डिंग कीजिएगा चाबी और बोल्ट के साथ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वेल्डिंग करना है, क्योंकि नॉर्मल सा वेल्डिंग होगा कि दो एक टाका लगा के निकाल जाएगा, ऐसा सोचिएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत टाइट निकलता है चाबी, जो है बहुत ही अच्छे तरीके से घुसा हुआ रहता है, और उसको अच्छे तरीके से वेल्डिंग करने का ज़रूरत है, नहीं तो टूट सकता है। दोस्तों, अपना पुलर का बोल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है और चाबी भी लूज हो चुका है। तो बोल्ट को लूज करके हम पुलर को बाहर निकल लेते हैं और चाबी को भी बाहर निकल लेंगे। तो तब तक पुलर को लूज करके खोल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, अपना चाबी बाहर निकल आया है और थोड़ा बहुत अंदर है, तो उसको थोड़ा चोट मार के धीरे धीरे निकल लेते हैं, और निकल बहुत आसानी से निकल गया है। तो अपना चाबी भी निकल चुका है, तो इस तरह से चाबी को भी निकल सकते हैं। तो चाबी निकल गया है अब। तो दोस्तों, आप हाइड्रा की मदद से फ्लाई व्हील को बाहर निकल लेंगे।
तो दोस्तों फ्लाई व्हील का साइड में पट्टा इसीलिए लगाया है ताकि जब हाइड्रा उठाएंगे और फ्लाई व्हील थोड़ा सा हिल जाएगा और जैसे हिलेगा वैसे थोड़ा सा बाहर भी आ जाएगा। जैसे देखिए फ्लाई व्हील अभी हिल रहा है, तो जैसे हिलेगा वैसे ही धीरे धीरे बाहर भी आते रहेगा। तो दोस्तों मतलब ऐसे ही धीरे धीरे हिलाते रहना है और जो अग्रेसर के अंदर एक बोल्डर भी डालना है ताकि मतलब फिटमैन हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको फ्लाई व्हील हिलना चाहिए। मतलब फिटमैन हिलेगा तो फिटमैन के साथ फ्लाई व्हील हिलेगा और फ्लाई व्हील और फिटमैन दोनों एक साथ हिलेगा तो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जो अग्रेसर के अंदर एक बोल्डर डालना है और धीरे धीरे हिलाते हिलाते निकल लेना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों अपना फ्लाई व्हील निकल चुका है, अब फ्लाई व्हील का जो कवर है इस कवर को भी निकल लेते हैं। तो अपना फ्लाई व्हील का कवर भी निकल चुका है और कवर निकलने के बाद जो पिटमैन का जो बोल्ट है इसमें 6 बोल्ट लगा हुआ रहता है, इस तरफ 6 बोल्ट उस तरफ भी 6 बोल्ट लगा हुआ रहता है। तो इस बोल्ट को हम एक एक करके खोल लिया है और 2 बोल्ट बचे हैं, तो एक अभी खोल रहा है और एक खोलेंगे। तो इसी तरीके से आपको खोलना है और पिटमैन को बाहर निकल लेना है। तो दोस्तों अपना क्या है जो अग्रेसर का जो बॉडी है, जो मदर प्लेट जिसको बोलते हैं, वो मदर प्लेट क्रेक हो चुका है। तो क्रेक मतलब पिट में निकल के क्रेक को बिल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग किस तरह करेंगे वो भी बताएंगे, किस तरह भी मरेंगे वो भी बताएंगे और कौन सा वेल्डिंग रॉड से वेल्डिंग करेंगे वो भी बताएंगे। तो वीडियो का एंड इस स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो, उस वीडियो में क्लिक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। मतलब कौन सा वेल्डिंग रॉड से वेल्डिंग करना है, किस तरह से भी मारना है, मतलब कुछ भी करना है ए टू जेड मतलब उसमें है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या एंड स्क्रीन में वीडियो शो होगा वहां से भी देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मतलब जो अग्रेसर का फुल प्रोसेस ओपनिंग का फुल प्रोसेस अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से देख लीजिएगा या एंड स्क्रीन में शो होगा वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, इस वीडियो में फुल प्रोसेस नहीं दिखाया गया है, तो दूसरा जो वीडियो है उसमें ए टू जेड फुल प्रोसेस दिखाया गया है जो अग्रेसर ओपनिंग का। तो उस वीडियो मतलब एंड स्क्रीन में शो होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से देख लीजिएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।